नमस्कार, मैं प्रभात कुमार, बालाजी IIT, टनकपुर रोड, सैदपुर, पीलीभीत। विषय वर्कशॉप कल्कुलेशन एंड साइंस। फिटर द्वितीय वर्ष में ये विषय है वर्कशॉप एंड कल्कुलेशन एंड साइंस। इसमें इससे पहले जो वीडियो बनी थी वो मैकेनिकल फोर्स में थी। नेक्स्ट टॉपिक उसमें दे रखा था एस्टीमेशन एंड कॉस्ट, पूर्वाकलन एवं लागत। ये चैप्टर है, आज हम पूर्वाकलन एवं लागत पर अध्ययन करेंगे। पूर्वाकलन एवं लागत निर्माण परियोजना विकास एवं नियंत्रण के लिए चार बुनियादी प्रकार के लागत अनुपात अनुमान हैं, जो DOE और उसके ठेकेदार द्वारा विकसित एवं उपयोग किए जाते हैं। ये अनुमान योजना अध्ययन अनुमान बजट या वैचारिक डिजाइन अनुमान शीर्षक डिजाइन अनुमान के अनुमान होते हैं, के अनुसार होते हैं। पूर्वाकलन लागत का मतलब ही एक तरह से है कि हम अगर कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई भी हमें प्रोजेक्ट बनाना हो, कंपनी या छोटा भी कोई प्रोजेक्ट बनाना, तो हम उस पर बहुत सारी पहले प्री प्लानिंग करते हैं। प्री प्लानिंग क्या होता है कि कितना मटेरियल रॉ मटेरियल खर्च होगा, कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी, फाउंडेशन मशीन फाउंडेशन, इस प्रकार की अनेक प्रकार की जो लागतें होती हैं उनको हम पहले से प्रयोजन करते हैं। फिर उन लागतों के व्यापार से जो कि हमारे डिजाइनिंग है उनमें कहाँ कहाँ किसको रिप्लेस करना है, किस किस कैसे इंस्टॉलेशन करना है, ये सारी जो गतिविधियाँ होती हैं वो पूर्वाकलन लागत में होती हैं। नेक्स्ट, पूर्वाकलन एवं लागत के जो पर्पस हैं, जो मेन पॉइंट हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखे हुए कंपनी या किसी प्रोडक्ट पे ये चीज़ बनाई जाती है, तो इसमें कुछ इसके पार्ट्स हैं। जैसे कि टाइम हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हमें इस अपने प्रोजेक्ट को कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है और क्या क्या टाइम पे क्या क्या चीज़ें लगानी हैं, शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग होता है। फिर हमें लेबर की जो पड़ती है, लेबर जो वर्क उस पर करेगी, लेबर दो प्रकार की लेबर होती हैं, एक लेबर कंटिन्यूस काम करती हैं, एक लेबर होती हैं जो हमारी मशीन वगैरह इंस्टॉल करने आती हैं, जो कि इसे बोलते हैं हाई लेवल लेबर, जो मशीन वगैरह इंस्टॉल करती हैं, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो ये इसमें लेबर के प्रकार हैं। कॉस्ट से हमें पता लगता है कि हमें कितना अपना बजट देखना पड़ेगा, कितना कॉस्ट लग जाएगी इस प्रोजेक्ट में, ये कॉस्ट है। रिक्वायर्ड मटेरियल एंड क्वालिटी, रिक्वायरमेंट मटेरियल होते हैं जिनकी स्टार्टिंग जरूरत पड़ती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन टाइम में जो मटेरियल की जरूरत पड़ती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके बारे में। तो कंस्ट्रक्शन टाइम में रिक्वायर्ड मटेरियल, जैसे कि कोई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल होगा, और जो उसमें डिजाइनिंग में रिक्वायर्ड मटेरियल होगा, वो सारे जो मटेरियल हैं उनका यहाँ डिस्कस करा जाता है। एंड क्वालिटी में ये देखा जाता है कि हमें अच्छी क्वालिटी का ही मटेरियल यूज़ करना है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक हमारा ये प्रोजेक्ट चलता रहे, इसलिए अच्छे मटेरियल का हमें यूज करना है। तो ये हो गई हमारी इस पर्पस में क्वालिटी एंड मटेरियल के बारे में। रिक्वायरमेंट का जो हमें रिक्वायर्ड ही हैं, ज़रूरत है, नेसेसरी है, नीड है जिनकी, ठीक है, वो प्रोजेक्ट के बारे में हमें देखना है, उसके साथ हमें डील करनी है, हमें वर्किंग करनी है, ठीक है। इसके बाद है इक्विपमेंट एंड टूल। इक्विपमेंट भी हमें जरूरी है, किस प्रकार हमें क्या क्या इक्विपमेंट जो हमें प्रोजेक्ट में रनिंग में वर्क काम आएंगे, उन इक्विपमेंट का हमें और टूल का हमें यूज होगा। तो ये हमारी पर्पस हैं कुछ, जो कि हमारे पूर्वाकलन लागत के हैं, टाइम लेबर कॉस्ट मटेरियल एंड इक्विपमेंट टूल्स आदि। आगे चलते हैं, एस्टीमेट क्या है, किसी निर्माण एस्टीमेट। अभी पूर्वाकलन और लागत था, इसमें हम एस्टीमेट पे आ जाते हैं। एस्टीमेट क्या है, किसी अब आते हैं हम एस्टीमेट टॉपिक है यहाँ पर अपना यहाँ पर आ रहे हैं। किसी निर्माणकार जो निर्माणकार है उसे प्रोजेक्ट बोलते हैं। किसी निर्माणकार में लगने वाली लागत का पूर्वा
पूर्वाकलन करना, लगाना, संभावित करना प्रकरण या एस्टिमेट कहलाता है। इसके कुछ उद्देश्य हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। कुछ उद्देश्य निर्माण कार्य की लागत का अनुमान लगाना, निर्माण कार्य की लागत का को पूर्वाकलन करना, प्लानिंग करना, लेबर एंड विभिन्न प्रकार के सामग्री का प्लानिंग करना, ये उद्देश्य हैं एस्टिमेट के। एस्टिमेट के उद्देश्य मटेरियल की मात्रा और क्वालिटी, कार को में पूरा होने में लगने वाला समय। अब हमें यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट, मटेरियल क्वालिटी और समय, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है एस्टिमेट के, जिसमें हमें मटेरियल के बारे में ध्यान रखना है, मटेरियल क्वालिटी का ध्यान रखना है और कार कितने समय अंतराल में कंप्लीट होगा ये भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जो भी एस्टिमेट हो रहा है उस पर जो पैसा लग रहा है, लागत लग रही है, उसका भी हमें ध्यान रखना है, उसकी हमें प्री प्लानिंग करनी है। लेबर को भी हमें पहले से ही एडजस्ट करना है और लेबर के साथ जो सामग्री लगे उसको एडजस्ट करना है, क्योंकि हमें ये सब एडजस्ट करके ही प्री प्लानिंग करने के ही के साथ साथ ही हमारा समय पर काम कम्प्लीट होगा। टेंडर, टेंडर के लिए या फिर ठेकेदार होते हैं उनको भी हमें पहले से ही सारी बातें बतानी है। ये पूर्व अपना बिजनेस को बनाने के लिए हमें ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए। अगर हम किसी बिजनेस को या कोई भी प्रोडक्ट को हम पीडी प्लानिंग से करें, उसकी हम कॉस्ट देखने लेंगे कितनी है, उसमें देखेंगे कितने एरिया की जरूरत है, तो कितना एरिया कितने में मिलेगा, लोकेशन एंड हमें लेबर की जरूरत है, ये सारी हमें पीडी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और हमें मटेरियल को देखना है, मेटल कैसा हमारा, उस पर हमें मेटल की क्वालिटी भी चेक करनी है, तो ये सब चीज़ें हमें प्री प्लानिंग करनी आती हैं। इसका एस्टीमेट करना पड़ता है, इसके लिए पहले बनाना पड़ता है, जिससे हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब एस्टीमेट के प्रकार, एस्टीमेट के यहाँ पर प्रकार हैं, एस्टीमेट मेटेरियल एंड लेबर एस्टीमेट। अब नंबर एक मेटेरियल एस्टीमेट कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स उस नंबर एक है मेटेरियल्स एंड लेबर बेस्ड एस्टीमेट। तो हमें अब एस्टीमेट में मटेरियल और लेबर बेस्ड एस्टीमेट देखना है। तो इस एस्टीमेट प्रकार में हमें देखना है मटेरियल एंड लेबर बेस्ड एस्टीमेट। तो इसमें जितना भी खर्चा होगा और जितने टाइम में हमें जो मटेरियल यूज होगा हमारा कंस्ट्रक्टर में या भी मशीनों में या फिर स्टेशन में किसी प्रकार का जो मटेरियल यूज होगा रॉ मटेरियल, वो हमें इस पर ध्यान देना है, इस पर उसके एस्टीमेट पे। प्लस लेबर के बारे में ध्यान रखना कि कितनी लेबर लगेगी, कितना वर्क होगा, कितने समय तक। नंबर टू परसेंटेज रेट एस्टीमेट, रेट परसेंटेज एस्टीमेट को देखना है। नंबर थ्री सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट को देखना है। रिवर्स एस्टीमेट मतलब कुल मिलाकर हम देखेंगे कि हमारा रिवर्स भी कितना हो रहा है। मान लो हमने कोई रॉ मटेरियल बहुत अत्यधिक मात्रा में ले लिया, तो हम उस पर इस प्रकार कम्युनिकेशन रखेंगे उससे, तो हमारा जो एस्टीमेट है वो मटेरियल जो रिवर्स हो जाएगा हमारा, उसका हमें पैसा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एस्टीमेट के प्रकार में किस यहाँ पर कुछ टाइप दे रखे हैं उसको हम देखेंगे। नंबर एक प्रारंभिक एस्टीमेट, इनिशियल एस्टीमेट। तो इनिशियल एस्टीमेट में क्या है, किसी प्रारंभिक लागत ज्ञात करने के लिए योजना के नीति निर्धारण के लिए उसमें भूमि की लागत, प्रत्येक भवन की लागत, सड़कों, जल आपूर्ति, बिजली सप्लाई, कार आदि शामिल किए जाते हैं और फुटकर व्यय 5-10% तथा साइट प्लान लिए जाते हैं। तो प्रारंभिक जो एस्टीमेट है उसमें एस्टीमेट में कुछ टाइप्स यहाँ पर 7-8 टाइप हैं। उसमें प्रारंभिक एस्टीमेट में हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, इसमें हमें देखना पड़ता है कि जो एरिया है उसमें भूमि की लागत, भवन जो बनेगा उस पर जो भी कंस्ट्रक्शन बनेगा उसकी लागत, सड़क एवं जल बिजली अत्यधिक सफाई से संबंधित ये सारी जो लागतें होती हैं वो हमें प्रारंभिक लागत में देखना पड़ता है एस्टीमेट। और इसमें डिटेल एस्टीमेट ये सबसे परिशुद्ध एस्टीमेट है, जिसमें प्रोजेक्ट के प्लान, सिलेक्शन, ड्राइंग और सभी ड्राइंग होनी चाहिए। अब इसमें जो आपका है डिटेल्स प्रक्रम
तो उसमें देखिए आप, जिसमें ये जो हमारा प्रोजेक्ट हम जो बनाएंगे उसकी ड्राइंग होती है, और ड्राइंग से संबंधित टू स्टेप हैं, मापो आप ब्यौरा तथा परमाणुओं की गणना नंबर वन पॉइंट है इसमें, जो कि डिटेल्स में इसमें पद के विभिन्न प्रकार की मात्रा अलग अलग निकाल कर कुल सामग्री की मात्रा निकाली जाती है। अनुमति लागत, अनुमति लागत राशि सूची, इसमें या राशि सूची बोल सकते हैं या अनुमति लागत बोल सकते हैं, इसमें सभी पद की कुल मात्रा की अलग अलग लागत निकाल कर अंतिम लागत निश्चित की जाती है, सभी पद की अलग अलग लागत निकाल कर अंतिम जो लागत है उसको डिक्लेयर किया जाता है। इसमें लेबर मटेरियल फुटर और ठेकेदार का प्रॉफिट शामिल किया जाता है। इसमें रिपोर्ट विशेषियाँ नक्शा बी बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग फाउंडेशन बीम स्लैब आदि जो डिजाइनिंग होती है उनको स्टेप बाय स्टेप सेट प्लान इंडेक्स प्लान आदि जो प्लान होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, इसमें देखे जाते हैं। नंबर तीन कुर्सी फर्नीचर का इस्टीमेट देखा जाता है, किसी भी भवन का छतपल की कुर्सी छतपल होता है उसको उसके हिसाब से जो बरामदा आंगन आदि समथिंग जो एरिया छोड़ा जाता है उसका छतपल शामिल किया जाता है। इसमें प्लान की सेवा में बिजली पानी आदि कॉस्ट प्लान नॉर्थ डायरेक्शन आदि शामिल की जाती है। घनाकार दर इसमें एरिया को हाइट से गुणा कर आयतन निकालते हैं, फिर घनाकार दर के गुणा करके कुल लागत निकालते हैं। क्यूब रेट एस्टीमेट इसे बोलते हैं, क्यूब रेट एस्टीमेट अप्रॉक्सी क्वालिटी मेथड एस्टीमेट अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टीमेट इसमें संरचना को विभिन्न भागों में बांटकर प्रति इकाई लंबाई की लिए मात्रा निकालते हैं तथा कुल मात्रा को कुल लंबाई से गुणा करके प्रकरण निकालते हैं एस्टीमेट निकालते हैं। इसमें डिटेल्ड रिपोर्ट स्लेट प्लान भूमिका अर्जन बिजली तथा पानी की सुविधा आदि शामिल करते हैं। ये जो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी है इसमें संशोधित प्रकरण रिवर्स राइट, ये जब निर्माण सामग्री की दरों एवं मजदूरों की दरों या दोनों में किसी कारण से रेट की बढ़ोतरी हो जाने से ओरिजिनल एस्टीमेट में 5% से अधिक डिफरेंस आएगा, ये इसमें आपका संशोधित प्रकरण। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट अनुपूरक जो एस्टीमेट इसका हम उपयोगिता करते हैं जब किसी प्रोजेक्ट में कोई छोटा या बड़ा चेंज करना हो, इसमें चेंजिंग प्लाट पार्ट की डिजाइनिंग एवोल्यूशन लगाकर डिटेल एस्टीमेट तैयार किया जाता है तथा पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है। नंबर नेक्स्ट प्रतिशत दर प्रकरण, ये प्रोजेक्ट की मूल लागत के कुछ परसेंटेज होते हैं जो 1.5% से 2% एनुअल रिपेयर वर्क मेंटेनेंस फुटकर के लिए एस्टीमेट बनाए जाते हैं। रंगाई पुताई सड़क रिपेयर एंड टूट फूट आदि कार्यों की मरम्मत के लिए। उत्पादन अनुसाधन, अब नेक्स्ट टॉपिक लागत कॉस्ट। उत्पादन अनुसाधन खुदरा एवं लेखांकन में लागत एक मुद्रा का मूल्य है जिसका उपयोग किसी वस्तु का उत्पादन करने या सेवा प्रदान करने के लिए किया गया है, और इसलिए अब उपयोग के लिए व्यवसाय में लागत अधिग्रहण में से एक हो सकती है। इस स्थिति में प्राप्त करने के लिए खर्च की राशि को लागत के रूप में गिना जाता है। उत्पादन में जो उत्पाद लागत में अब यहाँ पर हमारा जो रॉ मटेरियल है जिससे हमें प्रोडक्ट तैयार करना है, प्रोडक्ट तैयार करना उसी लागत का यहाँ पर विवरण किया गया है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए लागत के कुछ उद्देश्य हैं, जो लागत लागत का इस प्रकार के उद्देश्य हैं, लागत का पता लगाना कि लागत कितनी है, विक्रय मूल्य का निर्धारण करना, लागत नियंत्रण और लागत में कमी, प्रत्येक गतिविधि के लाभ तथा लाभ का पता लगाना, सहायक प्रबंधक के निर्णय लेना, लागत के तत्व, लागत के दो तत्व हैं प्रत्यक्ष तत्व है नंबर एक, दो तत्व हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या है, किसी उत्पादन के निर्माण या निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल या वस्तु का व्यवस्था करना,
अप्रत्यक्ष सामग्री से संबंधित करता है जिसमें हमें एक उत्पाद का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन सीधे पहचान योग्य नहीं। ये जो प्रत्यक्ष सामग्री है, ये हमारा जो लगातार रनिंग में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके लिए ये होता है। अप्रत्यक्ष में क्या है कि सडनली या चेंजिंग कुछ प्रोडक्ट बनने उनके लिए पदार्थ का मूल सामग्री की लागत किसी उत्पाद के निर्माण या सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की लागत को छोड़कर सभी अप्रत्यक्ष सामग्री हैं, जैसे कि उत्पाद प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली सफाई की आपूर्ति एक इकाई के निर्माण के लिए स्क्रैप की मानक मात्रा है। नेक्स्ट पदार्थ के मूल, ये पदार्थ का जो मूल है उस पर क्लासिफिकेशन किया गया है मटेरियल कॉस्ट एंड कंपनी। पदार्थ का मटेरियल कॉस्ट क्लासिफिकेशन मटेरियल कॉस्ट ऑफ द कंपनी, रॉ मटेरियल्स सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल्स जिससे हम प्रोडक्ट किसी जिससे प्रोडक्ट बनते हैं, फ्यूल एंड एनर्जी, रनिंग में जो हमें कंपनी वगैरह में जो रनिंग में फ्यूल एंड एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो इसमें आता है फ्यूल एंड एनर्जी में। पैकेज कॉस्ट, पैकिंग करने के लिए जो मटेरियल होता है वो इसमें आता है। स्पेयर पार्ट्स कॉस्ट, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल्स, जो मशीन एंड टूल इक्विपमेंट पार्ट्स यूज होते हैं और जो स्क्रैप में आते हैं वो सारे जो कॉस्ट हैं वो उसमें आती हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्क्रैप को निकाला जाता है। कॉस्ट जो पार्ट्स हैं उनको परचेस करने का जितना भी कॉस्ट लागत है वो सारे इसमें निकल आता है। बिल्डिंग मटेरियल कॉस्ट, बिल्डिंग मटेरियल कॉस्ट जो बेल्डिंग होती है, जो कंस्ट्रक्टर के मटेरियल कॉस्ट है, रॉ मटेरियल के लिए जो भवन बनाने में जो यूज आता है वो सारे जो कॉस्ट होती है वो सारे इसमें इंक्लूड होती हैं। अदर मटेरियल कॉस्ट होती हैं, ये कभी कभी टूट फूट जाती है उसमें अंदर स्क्रैप में लग जाती है या फिर एक्स्ट्रा रनिंग में आती है। इसमें हमारे लेबर भी कभी कभी एक्स्ट्रा यूज होते हैं, कभी कभी इसमें कोई ना कोई त्रुटि होने की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी जरूरत पड़ती है। तो ये सारी अदर मटेरियल कॉस्ट आती हैं या अदर मटेरियल हमें यूज करना हो उस टाइम के लिए वो अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट की फिनिशिंग करने के लिए, अच्छी मेंटेनेंस बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। ये सारी जो कॉस्ट है वो अदर मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड होती है, अदर मटेरियल कॉस्ट में आती है। पदार्थ का मूल, उत्पादित होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए, ऑर्डर आकार, उत्पाद करने के लिए आवश्यक कच्चे माल की कुल मात्रा की गुणा करें, कच्चे माल से जुड़ी लागत से उस राशि को गुणा करें, आदि को अविष्ट या स्क्रैप है तो उसकी लागत को चरण तीन के लागतों में जोड़ना चाहिए। अब पदार्थ का मूल, सामग्री की लागत किसी उत्पाद के निर्माण सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की लागत, सामग्रियों की लागत को छोड़कर सभी अप्रत्यक्ष लागत, सामग्री जैसे उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली सफाई आपूर्ति एक इकाई निर्माण से जुड़े स्क्रैप मानक मात्रा जोड़े। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम को देखें। कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल्स, इंडायरेक्ट टैक्स, डिस्काउंट, स्टोरेज चेंज, पैकिंग आदि जो कंपोनेंट हैं भविष्य मूल जो कि डॉलर में इंक्लूड करा गया, डॉलर में लिखा है। आई ब्याज दर है, एन संख्या ब्याज दर वर्तमान मूल्य में के रूप में। एक बार हम फिर से इसको देख ले रहे हैं शॉर्ट में, जहां पर भी दिक्कत आई है उसको कंप्लीट ले रहे हैं।
कितनी भूमि की जरूरत पड़ेगी, भूमि के बाद हमें उसमें रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठेकेदार संबंधित लेबर आदि बहुत सारी चीज़ों का हमें विचार करना पड़ता है पहले। इसे प्री प्लानिंग बोलते हैं, भूभागन बोलते हैं। डिजाइनिंग करनी पड़ती है, इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, अदर प्रकार की बिजली या सफाई संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हमें प्री प्लानिंग करती है, पूर्वागन कराता है। अब हम देखते हैं पूर्वाग्रह लागत में, इसमें देखो ये उसके पर्पस हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पर्पस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक रखने वाले पर्पस हैं। हमें टाइम रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें कितने टाइम पर प्रोजेक्ट रेडी होना है, कितने टाइम पर कौन सी लेबर लगाना है, लेबर बहुत इम्पोर्टेंट, विदाउट लेबर कंस्ट्रक्शन ब्रेक हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ब्रेक हो जाएगा तो टाइम रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोजेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग नहीं रेडी हो पाएगा। तो इसलिए इसमें लेबर का भी बहुत बड़ा रोल है। लेबर इसमें जो हमारा पूर्वाग्रह प्रारंभिक में दो प्रकार की लेबर होती हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट लेबर होती हैं, तो ये डायरेक्ट दोनों का थी। इसके बाद जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि हमारा चेयरमैन, डायरेक्टर, डीन, मैनेजमेंट, सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर के फोर्थ क्लास लेबर, इस प्रकार के लेबर कॉस्ट होते हैं। इसमें जो अपर लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं, डीन, डायरेक्टर, सुपरमैन, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, जीएम, जनरल, जो सारे जो कंपनी होते हैं उनको हम ये एक डिपार्टमेंट है, पूरा कहता है अकाउंट डिपार्टमेंट, जिसमें मैनेजमेंट के सारे जो होंगे। तो ये प्रकार की कंप्लीट प्रोजेक्ट होने का कंप्लीट बनना इन प्रकार के जो मैनेजमेंट होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, इनका डिवाइडिंग कराता है। पर्पस अब हम लौट के आते हैं कॉस्ट ये हमें प्रोजेक्ट बनाते समय हमें रॉ मटेरियल एंड भूमि की जो कॉस्ट होती है उसकी प्री प्लानिंग की जाती है। इसमें जो कॉस्ट होती है उसका 5-10% कॉस्ट हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, टूट फूट आदि आपदाओं के लिए बचने के लिए हमें इसका कॉस्ट को एक्स्ट्रा रखना पड़ता है 5-10%। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट एंड क्वालिटी, रिक्वायरमेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, रिक्वायरमेंट जो हमारा कंस्ट्रक्शन टाइम में रिक्वायरमेंट है हमें उसको परचेस करना है प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज होते हैं लाइक आयरन रॉड, कंक्रीट, कड़ा, सीमेंट आदि जो इस्तेमाल होते हैं रॉ मटेरियल, उनको हमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर लेना पड़ता है। बहुत सारे इसमें आयरन के, माइल स्टील के जो एंगल वगैरह या डोर वगैरह बनते हैं, इन सारा का जो मटेरियल का पड़ता है। क्वांटिटी को देखना पड़ता है कि हमें कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में क्वांटिटी, क्वालिटी इज द शुद्धता मटेरियल प्योरिटी, तो उसमें क्वालिटी आती है जो अच्छा लॉन्ग टाइम तक हमारा उस मटेरियल का यूज हो सके। क्वांटिटी में क्या है, मात्रा, हमें कितनी मात्रा में रॉ मटेरियल लेना है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल लेंगे तो हमें रिटर्न करने में प्रॉब्लम होगी और क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट चार्ज में प्रॉब्लम होगी। तो ये हमें अपना प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हमें रॉ मटेरियल लेना होता है, सिलेक्शन करना होता है। इक्विपमेंट एंड टूल्स एंड प्लांट्स, इक्विपमेंट्स हमें जो उसमें जो इक्विपमेंट्स जो पड़ेंगे कंस्ट्रक्शन टाइम वो हमें इक्विपमेंट है। टूल्स जब हम रनिंग आफ्टर में जो कंपनी में जो टूल्स होते हैं उन सारे टूल्स को हमें पहले प्री प्लानिंग करके हमें लेना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कितनी क्वांटिटी में हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट एस्टीमेट क्या कहते हैं, किसी निर्माण कार्य में लगने वाली लागत, किसी उसका तो उसका हम आकलन करते हैं, उसका हम आकलन करते हैं, इसे एस्टीमेट कहते हैं। निर्माण अब इसमें कुछ इसके उद्देश्य हैं जो वहाँ पर मुख्यतः चार उद्देश्य हैं। निर्माण कार्य की लागत का एस्टीमेट करना, निर्माण कार्य में जो लागत हो रही है, बनने में जो लागत हो रही है, स्ट्रक्चर में जो लागत लग रही है उसको हम देखेंगे।
लेबर एवं विभिन्न सामग्री, लेबर कितने टाइम तक लेबर लगेगी, कितनी लेबर लगेगी, उनकी लेबर कॉस्ट को देखना पड़ेगा, प्लस सामग्री, विभिन्न प्रकार की सामग्री होती है जो लेबर के साथ साथ होती है, मेटेरियल एंड क्वांटिटी, मेटेरियल जो मेटेरियल और मेटेरियल हमारा यूज होगा कंस्ट्रक्शन टाइम में, वो क्वांटिटी कितनी मात्रा में यूज होगा, कार को पूरा करने का समय, हमें टाइम ड्यूरेशन भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है कितने टाइम तक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट लास्ट है टेंडर एंड ठेकेदार से कांटेक्ट करना। टेंडर ठेकेदार से कांटेक्ट करने के लिए हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो एक व्यवस्थित रूप से एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होगा और कांटेक्ट मैनेजर से हमको ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि कितना प्रोजेक्ट रेडी हो गया, कितना प्रोजेक्ट रेडी नहीं हुआ और कितनी कॉस्ट लग गई है, या अत्यधिक लेबर कॉस्ट या मेटेरियल क्वांटिटी के साथ साथ हमें सारी चीजों का विवरण मिलता रहता है। एस्टीमेट के प्रकार, एस्टीमेट टाइप्स ऑफ एस्टीमेट में आते हैं मटेरियल एंड लेबर बेस्ड एस्टीमेट, नंबर एक परसेंटेज रेट एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, सब प्रारंभिक होती है, रिवर्स एस्टीमेट, ये हमारा मटेरियल आता है उसका एस्टीमेट, क्यूबिकल रेट एस्टीमेट, घनाकार स्पेस होता है उसका एस्टीमेट, प्रिंट एरिया एस्टीमेट, डिटेल्स एस्टीमेट आदि, जो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टीमेट आदि जो एस्टीमेट होते हैं वो टाइप्स ऑफ एस्टीमेट के अंदर आते हैं। ये मेटेरियल अलग 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 सात से आठ हैं, ये अलग अलग अपनी एस्टीमेट का विवरण बताते हैं। अब हम आते हैं प्रारंभिक एस्टीमेट पे। किसी प्रकार की प्रारंभिक लागत के लिए योजना के निर्धारण के लिए उसमें भूमि की लागत, भवन, सड़कों की, बिजली आदि सफाई की अत्यधिक शामिल होते हैं। मतलब प्रारंभिक एस्टीमेट में, प्रारंभिक एस्टीमेट में हम तो देखते हैं कि जो भूमि है उसकी लागत, उसके साथ सड़कें या जल आपूर्ति, बिजली सफाई आदि जो फुटर की जो व्यय होते हैं, खर्च होते हैं, वो सारे प्रारंभिक एस्टीमेट में आते हैं। व्यवस्थित एस्टीमेट में, डिटेल एस्टीमेट में, ये सबसे इसमें प्रोजेक्ट संबंधित जो प्लानिंग होती है, इवोल्यूशन होता है, सिलेक्शन ड्राइंग होती है आदि जो एस्टीमेट होता है वो इसके अंदर आता है। इसमें दो स्टेप्स हैं, नंबर एक स्टेट माप का ब्यौरा तथा परिमाणों की गणना, नंबर टू अनुमित लागत या राशि सूची। तो माप का ब्यौरा तथा परिमाणों की गणना, इसमें इसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग निकालकर कुल सामग्री की मात्रा होती है। इसमें क्या करते हैं, अंतिम अलग अलग मात्रा निकाल के जो अनुमित लागत है या राशि सूची है, ये सूची बनाते हैं, इसमें कितनी खर्चा हो गया है, ये सूची बनाते हैं। तो इसमें एक सूची आती है लेबर की कॉस्ट की या अलग अलग जो फुटर का कॉस्ट होते हैं, इसमें सूची आ जाती है। अब क्यूबिकल रेट, घनाकार जो उसमें जो एरिया बसते हैं, जो घनाकार जो स्पेस छोड़ते हैं, उनमें जो कास्ट लगती है, जो स्क्वायर फीट में जो भी मेटल कॉस्ट लगती है, लेबर कॉस्ट, वो सारी इसमें आती है। अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टीमेट, इसमें संरचना को विभिन्न भागों में बांटकर प्रति इकाई लंबाई की कीमत की मात्रा निकालते हैं तथा कुल मात्रा को कुल लंबाई से गुणा करके प्रकरण करते हैं। और संशोधित प्रकरण जब निर्माण सामग्री दरों में, जब निर्माण ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जब निर्माण सामग्री दरों में मजदूरों की दरों को या दोनों किसी रेट से बढ़ोतरी होती है, टाइम डोरसिंग के अकॉर्डिंग अगर हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कुछ वार्षिक या एनुअल में जो हमारा परसेंटेज बढ़ोतरी होती है वो 5% का डिफरेंस आता है, वो संशोधित एस्टीमेट के अंतर्गत आता है। अनुपूरक एस्टीमेट, इसका उपयोग तब करते हैं जब किसी प्रोजेक्ट में कोई छोटा बड़ा चेंज करना हो, इसमें चेंजिंग पार्ट की डिजाइन प्लान एवोल्यूशन लगाकर तैयार किया जाता है, इसलिए इसे अपूर्वक प्रबंधन करते हैं। मतलब प्रोजेक्ट में हम रनिंग प्रोजेक्ट हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बन गया है और उसमें हमें कहीं चेंज करनी पड़ती है, तो वो एस्टीमेट अनुपूर्वक एस्टीमेट के अंतर्गत आता है। परसेंटेज एस्टीमेट, ये प्रोजेक्ट की मूल लागत के कुछ परसेंट, मोस्टली 1.5% एनुअल में फुटकर के लिए एस्टीमेट बनाते हैं। बिल्डिंग में रंगाई, पुताई, सफाई, रिपेयरिंग, टूट फूट आदि मरम्मत के लिए ये प्रोजेक्ट होता है, ये एनुअल में आ जाता है। प्रतिशत दर एस्टीमेट, परसेंटेज रेट एस्टीमेट। अब आते हैं लागत कॉस्ट। उत्पादन अनुसंधान खुदरा और लेखाकरण में लागत एक मुद्रा का अनुमूल है जिसका उपयोग किसी वस्तु का उत्पादन करने या सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है और इसलिए अब उपयोग किए के लिए उपलब्ध नहीं है। व्यवसाय में लागत अधिग्रहण में से एक हो सकती है। इस स्थिति में
इसे प्राप्त करने के लिए खर्च की गई राशि में को लागत के रूप में गिना जाता है। स्टार्टिंग से लेकर एंड जो खर्चा होता है इसको लागत के रूप में लगाया जाता है, एस्टिमेट कॉस्ट। लागत के उद्देश्य, लागत के मुख्य उद्देश्य प्रकार लागत का पता लगाना, कितनी लागत लगेगी, कितना क्या एस्टिमेट होगा, कितनी हमारी कॉस्ट लगेगी, कितना क्या समय विक्रय मूल्य का लगाना, ये हमारे जो परसेंटेज है, ये जो बातें हैं जो लागत की। अब हमने कंपनी कंप्लीट हो गई, प्रोडक्ट बनाया है तो प्रोडक्ट संबंधित कितने रॉ मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल आने के बाद उसमें मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट में कितने, कॉस्टिंग में बनाने में या मैन्युफैक्चरिंग करने में मशीनिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट आदि क्या कॉस्ट लगेगी, वो आदि क्या लागत लगेगी, वो सारा का हमें देखा जाता है। उसके बाद नंबर टू विक्रय मूल्य निर्धारण करना, हम देखेंगे रॉ मटेरियल या मैन्युफैक्चरिंग या मशीनिंग रनिंग टाइम को कॉस्ट लोड कर और रॉ मटेरियल जो जो हमारा रॉ मटेरियल है कच्चा माल, उसको कच्चे माल प्लस और हमारा बनाने में जो मशीन में जो खर्चा है उनको जोड़कर हमें विक्रय मूल्य निर्धारण करना होता है। नंबर तीन लागत नियंत्रण और लागत में कमी, लागत नियंत्रण का जो लागत हमारी लग रही है, लागत हम बनाने समय जो लागत लग रही है उसको हम नियंत्रण करेंगे। हम देखेंगे हमारा जो मटेरियल बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कंपनी के अंदर, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट बन गया है तो वो देखते हैं उसको नियंत्रण कैसे करें, हमारा रॉ मटेरियल कच्चा माल ज़्यादा ख़राब ना हो, स्क्रैप में जाके हम उसको रीप्लानिंग कर सकते हैं या हम स्क्रैप माल को किसी और प्रोडक्ट में बनाने की रखते हैं। लागत में कमी, इस प्रकार लागत में कमी हम देखते हैं कि हमें डिजाइनिंग करते हैं कि लागत में कमी कैसे हो। मास प्रोडक्शन के लिए जब ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे सेल हों तो हमें ज़्यादा मास प्रोडक्ट करनी पड़ी है। प्रत्येक गतिविधि के लाभ का हम देखते हैं, हर गतिविधियाँ जो हो रही हैं, जो वर्किंग परफॉर्मेंस है उसको देखते हैं कि लाभ कैसे पता करते हैं। सहायक प्रबंधक के निर्णय लेना, सहायक प्रबंधक के जो चेयरमैन सर होते हैं या संपादक जो भी हमारे ऑनर होते हैं उनका हम निर्णय लेना चाहिए क्योंकि वो अपर अधिकारी है। अपर अधिकारी में हमारे सहायक प्रबंधक के नीचे डायरेक्टर, डीन, GM, HR आदि मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं, इन सारे की मीटिंग होती है, इनका एक निष्कर्ष निकलता है, वो निर्णय लेना जरूरत है। ये चार जो हमारे हैं उद्देश्य वो लागत में आते हैं। लागत तत्व प्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री लागत के ये तत्व हैं। पदार्थ मूल सामग्री की लागत उत्पाद के निर्माण सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की लागत, सामग्री लागत को छोड़कर सभी अप्रत्यक्ष सामग्री जैसे उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली सफाई की आपूर्ति, एक इकाई के निर्माण से स्क्रैप की मात्रा जोड़ें। पदार्थ का मूल मटेरियल कॉस्ट क्लासिफिकेशन, अब मटेरियल कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी में मटेरियल का हमें मूल का पदार्थ का मूल निकालना और ये कंपनी द कंपनी, तो कंपनी में नंबर काले क्लासिफिकेशन के नंबर है रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। रॉ मटेरियल कच्चे माल और जो हमारा जो प्रोडक्ट बन गया है, जो हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट बन गया है उसका सेमी फिनिश्ड कॉस्ट देखते हैं, पहले से कॉस्ट निकाल लेते हैं। और ये रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में हमें जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है रनिंग टाइम में, फ्यूल एंड एनर्जी कॉस्ट, फ्यूल एनर्जी कॉस्ट मतलब कंपनी में जो जनरेटर वगैरह के फ्यूल पड़ते हैं या एनर्जी का बिजली से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या हीट एनर्जी आदि जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है वो फ्यूल एंड एनर्जी कॉस्ट के अंतर्गत आती है। पैकेजिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के आफ्टर बनाने के बाद जो पैकिंग करी आती है उसकी कॉस्ट, स्पेयर पार्ट्स कॉस्ट, स्पेयर प्रोडक्ट को बनाते हैं मशीनिंग एंड कुछ पार्ट की जरूरत पड़ती है उनकी कॉस्ट को हमें उनकी कास्ट की जो रेटिंग होती है जो लागत होती है वो इसके अंतर्गत आती है। बिल्डिंग मटेरियल कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन टाइम बढ़ाने के वो जो भवन होता है उसके जो मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो बिल्डिंग मटेरियल कॉस्ट के अंतर्गत आती है। अदर मटेरियल कॉस्ट में जो टूट फूट हो जाती है या हमें एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत पड़ती है या हमें अच्छी क्वालिटी के लिए दिखाना पड़ता है या कोई भी प्रकार की हमें अदर हेल्प चाहिए तो उसमें जो कॉस्ट लगती है चाहे वो एम्प्लॉय के लिए हो, चाहे वो लेबर से हो, चाहे वो मटेरियल से हो, चाहे कच्चे माल से हो, जो हमें अदर से कॉस्ट लगती है वो अदर मटेरियल कॉस्ट के अंतर्गत आती है। पदार्थ का मूल, ये पदार्थ के कुछ कंपोनेंट हैं रॉ मटेरियल्स, डिस्काउंट, पैकेजिंग आदि। लागत निर्धारण संबंधित सूत्र भविष्य में FB $1 गुणा ब्रैकेट 1+i की पावर n। FB भविष्य मूल है जो डॉलर के में है, आई ब्याज दर है, एंड संख्या ब्याज दर। थैंक यू।
ये एस्टीमेट कॉस्ट जो आपका अध्ययन करा है, इसको अच्छे से आप पूरी वीडियो देखें, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हीट एंड टेम्परेचर है। अगला जो हम जो वीडियो बनेगी वो ऊष्मा एंड तापमान पे बनेगी। थैंक यू, धन्यवाद।